हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, तो वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल इंडिया जर्मनी 0.2 के YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथ की। आपको बता दूं, मैथ पढ़ने वाले, मैथ का सबको पता है भाई। मैथ मैथ का मतलब होता है आपका गणित, समझ गए। मैथ्स हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल। हम मैथ से जीरो से आपका हीरो वाली क्लास चालू स्टार्ट कर रहे हैं। आपको बता दूं मैं आपको कि 41 एपेंड की संख्या पद्धति करा चुका हूँ। पूरा का पूरा लगभग 17-18 टॉपिक उसमें करा चुका हूँ। फिर से आपका बेसिक ट्रेड्समैन में हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, बात आती है कि जो आसाम राइफल में छूट गया था और जो आपकी 41 एपेंड में छूट गया था, उन्हीं टॉपिकों से मैं स्टार्ट करूंगा। क्योंकि बात आती है कि बेसिक ट्रेड्समैन में ना अभी आपका अगस्त में जाके एग्जाम होने वाला, तो अगस्त तक आपको बिल्कुल आपका मैथ का 3 से 4 बार सिलेबस आपको करा दूंगा। कहीं टेंशन लेने की 1% भी जरूरत नहीं है। तो देखो, बात करते हैं आज हमारा टॉपिक कौन सा है, प्रतिशत। ये क्लास किन के लिए महत्वपूर्ण है ये देख लो भाई। 41 एपीडी, बीएसएफ ट्रेड्समैन, एसएसबी ट्रेड्समैन, आसाम राइफल ट्रेड्समैन, इन सब के लिए क्लास वेरी महत्वपूर्ण होने वाली है। बता दूं आपको, सारे आपको टाइप करवाए जाएंगे। जो इनके पेपर का लेवल आता है उन तक आपको लेवल का पेपर कराया जाएगा, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट वीडियो से। उससे पहले बोलूं, फर्स्ट क्लास से उससे पहले बोलूंगा, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, इन सब बातों की यदि तैयारी कर रहे हो ना, तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके की क्लास टाइम टू टाइम मिलती रहे। सबको पता है मैथ के टाइम का क्लास, नहीं पता तो वो टाइम वाला क्लास का वीडियो जरूर देख लेना। तो बात करते हैं प्रतिशत का। प्रतिशत, प्रतिशत किसे कहते हैं? तो प्रतिशत का आपको देखो यहाँ पर अर्थ निकल रहा है, प्रति और शत, यानी कि प्रति सैकड़ा। क्या होता है? प्रति सैकड़ा। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। अतः प्रतिशत का वह प्रतिशत वह भी नहीं जिसका हर 100 का अंश कोई भी संख्या हो सकती है। देखो बात करते हैं प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा ये, ठीक है। अतः प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होता है, तथा अंश कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है, संख्या हो सकती है। यह आपका प्रतिशत है, ध्यान रखना है। आपको मतलब नोटबुक साथ में लेकर रखो, आपको मैथ के नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। और नोट्स भी इस तरीके से बनाऊंगा, आपको जो बच्चा मैथ से डरता है ना, वो बच्चा भी मैथ से ऐसे करेगा। मैथ में भी हम पूरे में से पूरे करेंगे। तो इन कोर्स भी बढ़ते में से ले लो आप। मैथ रीजनिंग में से यदि पूरे में से पूरे नहीं करोगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। उनमें आपको पूरे में से पूरे करने होंगे, ठीक है। तो प्रतिशत वह आपकी है जिसका हर हमेशा 100 तथा अंश आपका कोई भी संख्या हो सकती है। यहाँ पर देखो 10%, अर्थात इसका मान कितना हो सकता है, 10/100 बराबर 1/1 से 1 या 1/10, ठीक है। 20%, अर्थात इसका मान कितना हो सकता है, 100, 5 दूनी, सॉरी 5 दूनी 10, यानी कि 1/5, यानी 10% को 1/10 के रूप में और 20 को 1/5 के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ मैं आपको महत्वपूर्ण प्रतिशत यहाँ पर निकालने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिए, उन प्रतिशत को भी आप ध्यान से लिखेंगे जिनको महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपका नाम देता हूँ, ठीक है। अब एक बात और बोलूंगा, जिस बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो यार। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं। एक तो आपकी क्लास का नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, फर्स्ट बात। यदि नहीं मिलता नोटिफिकेशन से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं आपकी बता दूँ, टेलीग्राम में क्लास का नोटिस नोटिफिकेशन वगैरह कम ही डालता हूँ। वैसे केवल महत्वपूर्ण जानकारी होती है वही टेलीग्राम पर डालता हूँ, ठीक है। देखो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको प्रतिशत के लिखाता हूँ। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। बात करते हैं
मैं तो पूर्ण तथ्य में यहाँ पर लिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो, मैं तो पूर्ण तथ्य में क्या आपको पता होना चाहिए, 25% को कितना कहते हैं मुझे, 1/4। 25 को 1/4 कहते हैं, 90 को हम 9/10, 90 को कितने कहते हैं, 90 को 9/10, ठीक है। ये प्रतिशत है यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर फिर से यहाँ थोड़ा इसको जगह देख के लिखते हैं ताकि आपको भी कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। 25% बराबर 1/4, 90% बराबर 90/100 यानी 9/10, ठीक है। 90% का 9/10 होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका एक आता है 33, सही, 1/3%। इसका हमेशा कितना होता है, 1/3 होता है, जितना होता है इसका हमेशा 1/3 होता है। ऐसा प्रतिशत आता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, इसको हम सारणी के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो बात करते हैं इसमें, और अगला बात करते हैं इसमें क्या होता है, इसमें 100 का सबको पता है, एक होता है 100 का लिखू या नहीं लिखू, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से 1/4, देखो 100 का मैं ये लिखता हूँ, 100 बराबर 1 होता है, 6 से 1/4 को क्या लिखोगे, 6 से 1/4 को कितना प्रतिशत लिखोगे, ये हमेशा 1/16% होता है। 6 चौक 24 और 1 25, 25/4 होता है, पर इसका आपका 1/16% इसका होता है, ठीक है। अब बात करते हैं 80%, 80% बराबर 4/5 होता है, कितना होता है, 4/5, 80% बराबर होता है 40%, बराबर 2/3 होता है, ठीक है। इसको फिर से यहाँ पर कर लेता हूँ, 40% बराबर 2/3 होता है, 60% बराबर 3/5 होता है, 60% बराबर 3/5 होता है। अब ये क्यों दिखा रहा हूँ मैं, यदि ये आपको याद है ना तो आप इसको आसानी से सॉल्यूशन सरल कर सकते हो, सरल सवाल को। 37 से ही 1/2% बराबर बताओ कितने प्रतिशत होते हैं, 3/8, कितना होते हैं, 37 से 1/2% बराबर 3/8, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं आगे, देखो एक आता है 30%, तो 30% आप कितना मानोगे, 30% 30% बराबर 3/10, इसको देखो 30/100 यहाँ पर लिखता हूँ मैं, 1 बिंदु से 1 बिंदु और 3/10 आ गए, ठीक है। इस प्रकार से हम निकालते हैं, जैसे एक आता है 75%, तो 75/100 आपका 75 और 25 चौक 100, 3/4 आता है 75% का, 150%, आपका 3/2 होगा, इसका कितना होगा, 3/2 होगा इसका। इस प्रकार से ये आते हैं, ये महत्वपूर्ण सारणी आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, महत्वपूर्ण तथ्य आपके महत्वपूर्ण काम आने वाले हैं। आपको बता दूं, जब तक आप कला से नहीं लोगे, आप ट्रेड भी पास दोगे तो भी आप ये सोच रहे हो कि सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा भाई। क्लास से लेना अभी से स्टार्ट हो, तो जो अभी से तैयारी कर रहा है ना वो बंदा आराम से सिलेक्शन ले सकता है। चलो इसको मैं आपको बेटा, अभी देखो कुछ और बातें हम बात करते हैं। देखो प्रतिशत के ऊपर जो बेसिक है ना वो पढ़ेंगे, और टाइप पढ़ेंगे आज दो, इसके लगभग 15 से 16 टाइप आपके हैं। तो महत्वपूर्ण बात है ना वो बता रहा हूँ मैं आपको, ग्रुप डी का आपका सिलेबस करोगे ना तब जाकर आपका कोई बीएसएफ ट्रेड्समैन निकलने वाला है। आजकल बहुत कंपटीशन है ना, आजकल 90+ मेरिट जाती है यार, 90+ मेरिट ऐसे ही थोड़ी जाती है, बच्चे पढ़ने लग गए। आप भी पढ़ो, अभी फायदे में रहोगे, मेरे ट्रेनिंग आपको बट्टे में से बट्टे करोगे ना, 25 में से 25 लेके आओगे तभी सिलेक्शन होने वाला है, वरना ऐसे सोच रहे हो ना कि मैथ रीजनिंग में ऐसा हो जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु क्या कहते हैं, किसी भी संख्या में भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग दिया जाता है। आप सबको पता है किसी भी संख्या को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग दिया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु में लिख लो, महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु लिख लो, किसी भी संख्या को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग दिया जाता है, ये बात आप लिखो, ठीक है। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, चलो ठीक है, दोनों लिखा है काफी महत्वपूर्ण तथ्य। और यहाँ पर कुछ मैं नोट लगा के लिख रहा हूँ, देखो देखो, किसी भी संख्या को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, यानी आपको यहाँ पर नोट लगा करना है, ठीक है, और डालना है किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को
संख्या को भिन्न में बदलने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए भिन्न किसी भी संख्या को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, ठीक है, 100 से भाग दिया जाता है, ठीक है। एक तो ये आ गया, दो नंबर नोट और लिखो, अब किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या आता है, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100 से गुणा किया, ठीक है ना, किसी भी भिन्न को प्रतिशत, सॉरी रुको ना, किसी भी भिन्न को प्रतिशत प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई या गुणा किया जाता है, ठीक है। ये बात है भाई, यानी कि इसमें दो महत्वपूर्ण होंगे, किसी भी संख्या को भिन्न में बदलने के लिए आप प्रतिशत में बदलेगा, किसी भी संख्या को भिन्न में बदलने के लिए आप 100 से भाग देना पड़ता है, और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, ठीक है। ये नोट महत्वपूर्ण है, तो इस नोट को आप ध्यान से देख लेना, देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप नंबर फर्स्ट की, हम फर्स्ट हमारा टाइप क्या कहता है, देखो बिल्कुल बेसिक से आपका स्टार्ट करेंगे, और जहां तक पढ़ेंगे, जहां तक प्रतिशत के सवाल आते हैं कंपटीशन एग्जाम, आजकल जमाना क्या हो गया भाई कि आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, ठीक है ना, बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो आप इनको भी आप बता दो, आपको ध्यान से करोगे क्लासों को, बिल्कुल आप 100% सफल हो जाओगे। अभी आसाम राइफल वाली जो भी भर्ती देख लो, 1700 क्वेश्चन, सॉरी 1500 क्वेश्चनों में से 17 क्वेश्चन आए थे जी, कितनी बड़ी बात है। अभी भी बता रहा हूँ, क्लासेस ज्वाइन कर लिया करो, शाम को 8 बजे वाली क्लास जरूर ज्वाइन किया करो, सभी के सभी जीके के सबके लिए कॉमन क्लास है वो। टाइप नंबर वन क्या कहता है, टाइप नंबर वन क्या कहते हैं, y का 80% अक्ष है, तो अक्ष का y प्रतिशत होगा, देखो y का 80% आपका अक्ष है, ठीक है ना, y का 80% अक्ष है, तो अक्ष का प्रतिशत y है, तो अक्ष का कितना प्रतिशत y है, अक्ष का कितना प्रतिशत वाई है। अब यहाँ पर प्रतिशत एक दे रखा है 80, तो हमें याद रखना सबसे पहले अभीष्ट प्रतिशत, ऐसे यदि आपको पूछे ना तो हमेशा याद रखो, यहाँ पर प्रतिशत निकालने की ट्रिक बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर याद रखना, ऐसे आपको यदि आपको पूछे कि वाई का 80% अक्ष है, तो अक्ष का प्रतिशत वाई कितना है, ऐसा यदि सवाल पूछो, तो इसके लिए अभी ट्रिक बता रहा हूँ आपको, 100 मल्टीप्लाई 100 करके जो नीचे संख्या दे रखी है वो आप कर दो, ठीक है ना, जैसे आपको बता दूं यहाँ पर सूत्र क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई 100 बट्टा आपका अभीष्ट प्रतिशत, अभीष्ट प्रतिशत, ठीक है, यह आपका सूत्र होने वाला। अब इनको जो भी आपका करता है वो काट दो, 5 दूनी 10 4 दूनी 8 25 जो कि 100, 25 5 125, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, 25 5 125 इसका आंसर आने वाला है, ठीक है, ये आपका ऐसा सवाल आया, तो ये ट्रिक आपको अपना लिए, 100 मल्टीप्लाई 100 नीचे आपको 20% आपको लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला टाइप नंबर, टाइप नंबर तो एक ही में अभी दूसरा क्वेश्चन है वो भी हम कर लेते हैं भाई, देखो क्वेश्चन 0 से करेंगे तभी फायदे में रहेंगे, और जो बच्चा क्लास को डेली करेगा ना वो समझ जाएगा, बिल्कुल भाई आपको समझ में आएगा, एक दिन में काम नहीं होता, जैसे हमारे राजस्थानी भाषा में बोलते हैं कि अथेड़े में सच्चू नहीं उगती, ठीक है ना, अथेड़ा में सच्चू को नहीं उगा, राजस्थानी भाषा में बात बोल रहे हैं, जरा थे राजस्थान का होगा तो जानता क्या थे हम सच्ची क्या होनी होगा, बल्कि यूपी भी आ रही है जो कैंडिडेट है वो ध्यान देखो, कि अथेले में सच्ची उगाने का मतलब है
कि आपको एक दिन में कुछ नहीं होता, करत करत अभ्यास जड़मतो सुजान, यानी आप जिस प्रकार से अभ्यास करते रहोगे बिल्कुल आप सफल होगे, कोई नहीं रोकने वाला। पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, यानी पी क्यू से 6 गुना बड़ा है तो क्यू पी से कितना छोटा है, यानी पी क्यू पी से कितना छोटा है, बोला गया है पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, यानी पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, तो पी क्यू से 6 गुना बड़ा है तो क्यू पी से कितना छोटा है, क्यू पी से कितना छोटा है, क्यू पी से कितना छोटा है, ठीक है ये बात आती है। पी क्यू से आपका पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, सॉरी यहाँ पर 6 गुना लिखकर 6 गुना बड़ा है तो क्यू पी से कितना छोटा है, ये बात आती है। अब देखो मानना, आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा क्योंकि पी क्यू तो हम निकाल नहीं सकते, तो यहाँ पर मानते अक्ष मानता हूँ मैं, ठीक है ना, आपको यहाँ पर एक का मान याद देना, ठीक है, तो मानना बराबर पी बराबर मैं मानता हूँ अक्ष, ठीक है। अब पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, पी कितना बड़ा है, पी है ना, क्यू से 6 गुना बड़ा है, पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, तो यहाँ पर बड़ा कौन सा है, तो बड़ा जैसे रियल माने तो आपका क्यू बड़ा है, ठीक है ना, क्यू बड़ा है तो क्यू क्यू पी से कितना छोटा है, क्यू पी से कितना छोटा है, ये बात करना है। तो यहाँ पर मानता हूँ देखो पी बराबर आता है आपका अक्ष और क्यू बराबर कितना आएगा, तो क्यू बराबर यहाँ पर गुना कितना है 6, तो 6x लिख देता हूँ मैं, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई होगा तभी तो ये 6 गुना बड़ा होगा ना, तो प्रतिशत बड़ा। अब देखो बात करते हैं इसमें क्या होगा कि आपको यहाँ पर निकाल है बड़ा प्रतिशत निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, प्रतिशत बड़ा निकालते हैं, ठीक है ना, प्रतिशत हम बड़ा निकालते हैं, बड़ा प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना होता है भाई, जैसे हम बड़ा प्रतिशत निकालेंगे जाहिर सी बात है कि इन दोनों को हम करेंगे माइनस और बट्टे में करेंगे, जो आप ये छोटी संख्या वो करेंगे, तो देखो आपको बता दूं 6x माइनस एक्स बट्टे एक्स ये आपका इस प्रकार से होगा, 6x माइनस एक्स बट्टे एक्स आपका मल्टीप्लाई फिर से आपको यहाँ पर शो करना होगा, क्योंकि इसको मैं आपको मैंने नोट दिखाया था ना कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको मल्टीप्लाई शो करना होगा, ठीक है ना, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने 100 से गुणा करना होगा, ये बात तो बताई थी मैंने, तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखो इसको सोल्यूशन कर दे, तो यहाँ पर बच रहा आपका 5x बराबर 5x बटे एक्स मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब देखो इसका आगे सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा, 5x बटा मल्टीप्लाई एक्स, अब देखो अक्ष से अक्ष कटता है हमेशा, अक्ष से अक्ष हमेशा कट जाएगा इसमें, ठीक है, बचा आपका 5 मल्टीप्लाई 100 बराबर 500, ठीक है, ये इसका आंसर नहीं है भाई, अभी आंसर नहीं है भी। अब ये 500 कौन सा है, 500 आपका बड़ा प्रतिशत आया, बड़ा प्रतिशत कौन सा है, 500 है, तो छोटा प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि तो इसमें छोटा पूछता है आपको छोटा प्रतिशत हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो छोटा प्रतिशत निकालने के लिए सबको पता है भाई जो आपका 100 है वो तो आपका रहने वाला है, वो बड़ा प्रतिशत फिर से आपका 500 बड़ा प्रतिशत, आपको बट्टे में क्या करना है, बट्टे में हमेशा याद रखना कि 100 तो है ही है, प्लस आपको 500 भी करना है भाई, प्लस 500 करना है यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपका इसका सॉल्यूशन आप करोगे ना तब जाके होगा। अब कई बच्चे क्या करते हैं इसको प्लस को भी आप काट देते, जैसे कैसे कटेगा यार, ये मल्टीप्लाई में ये प्लस नहीं है तो ये नहीं कटेगा, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 चार बिंदु, 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 बिंदु हो गया आपका, ठीक है, ये क्योंकि अब कई बच्चे बोलोगे 4 बिंदु क्या बोल रहे सर, जो आपका 2 है क्या 2 है क्या 5 है क्या 5, तो 5 का मैं लिख दूँ 4 बिंदु से बिंदु आ गई, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ते तो इसका आएगा 600, जोड़ोगे तब तो 600 आएगा, 2 से 2 कट गया, ठीक है, अब बचा गया 6, तो 6 आप 6 5 30 6 6 36 6 7 2 42, 6 8 48, 6 8 कितने बचे 48, फिर बचा आपका 2 उतारी बिंदी 6 2 6 3 18, बच्चा फिर से 2 आपका 0.33 ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया आपका, तो ये आपका आंसर होने वाला है, छोटा कितना है,
छोटा इसमें से इसको आपको इसमें से आपको छोटा कितना है, इससे इतना छोटा है भाई, 83 पॉइंट आपका 33% ये इससे छोटा है। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराए नहीं, इसको सॉल्यूशन करने का ट्रिक मैंने बता दिया पूरा डिटेल में, एक बार फिर से वीडियो को देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब टाइम नंबर यहाँ पर करते हैं 2। देखो टाइम नंबर 2 क्या कहता है, हो सकता है कुछ आपको प्रॉब्लम हो जाए समझने में, तो वीडियो को दोबारा से देख लो, क्योंकि वीडियो को दोबारा से देखोगे ना तभी जाके समझ में आने वाला है। और जो बता प्रतिशत को समझ गया ना, वो मान लो मैथ आधा गया, मैथ आधा निकाल लेगा वो बच्चा प्रतिशत को समझ गया। ठीक है ना, प्रतिशत एक महत्वपूर्ण चीज होती है, प्रतिशत तो एवरेज। ऐसे 2 ऐसे टॉपिक है जो आपको बता दूं महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ठीक है ना, प्रतिशत और एवरेज को ध्यान से देखा हो यार। ठीक है ना, देखो बात करते हैं, कई यूट्यूबर क्या करें टॉपिक वाइज नहीं करा रहे, मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा आपको बिल्कुल। ट्राइब नंबर 2 क्या कहता है, ए का 18% बी के 20% के बराबर है। ए का 18% बी के 20% के बराबर है, 20% के बराबर है। ठीक है, ए का 18% बी के 20% के बराबर है, तो बताइए बी ए का कितना परसेंट है, तो बताइए। ये सही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, तो बताइए बी ए का कितना प्रतिशत है, ये कितना प्रतिशत है। ठीक है, आप बताओ ए का 18% बी के 20% के बराबर है, यानी ए को 18 और बी का 20 वो दोनों बराबर यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो आपको बताना है कि बी ए का कितना परसेंट है। तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर ऐसे यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए ना, तो यहाँ पर हमेशा क्या करना है, बी बटे ए करना है, बी बटे ए तो करना ही करना है, स्पीड। अब तो स्पीड से ट्रिक, आपको ट्रिक उसे इस क्वेश्चन में ऐसे लोगे, तो आपको बता दूं ऐसा आप क्या करोगे, इसमें आपको बी का मान दे रखा है, तो बी का मान यहाँ पर 20 है, तो 20 नहीं लिखना है अभी हमें, बी का मान तो लिखना 18 और ए का मान लिखना 20, यानी 18 बटे 20। इसको भी हम उल्टा करेंगे, इसको भी हम उल्टा करेंगे, तो इसको भी हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो आप देखो इसका सॉल्यूशन, आपको इसमें बोला गया कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा किया जाता है। अब देखो किस प्रकार से करते, तो देखो ये आ गया, ये 9 दूनी 18, 9 एकम 9 90, 90 तो आएगा, 90 तो आएगा और 90% बदलाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपका इस प्रकार से आंसर होगा, बिल्कुल सिंपल सा है, फिर से देख लो। ऐसे यदि क्वेश्चन आ जाए कि ए का 18 बी का 20% है, ए का 18 बी का 20% बराबर है, तो बताइए बी ए का कितना परसेंट है या ए बी का कितना परसेंट है, तो हमेशा याद रखना पहले तो इनको आप उल्टा करो, यदि यह उल्टा दिया है ना, चलो सीधा जाहिर सी बात है, ये दिया हुआ ना उस प्रकार से हमें देखना है, ए बी ए दिया हुआ तो बी बट्टा ए लिखना है हमें, और बी बट्टा ए का मतलब अब ये नहीं कि इसको इससे आप इसको भी उल्टा करना है, बी का मान 18 है तो बी का आपका ए का मान 18 है तो ए का मान 18 और बी का मान यहाँ पर लिखना। अब यहाँ पर ऐसा दिया हुआ था ए का बी पर कितना परसेंट है, ए का बी कितना परसेंट है, तो बताओ इस प्रकार किससे कर दे, तो यहाँ पर लिखता है ए बट्टे बी बराबर बी का मान आपका आ रहा है 20 और बट्टे आपका 18 मल्टीप्लाई करता 100 और इसको आपका 9 दूनी 18 और 15 दूनी 100। ठीक है, फिर आ गया आपका 5 दूनी 10, ये आ गया 5 दूनी 10 तो एक हो गया और ये 100 9 बटे, ठीक है ये हो जाएगा आपका, तो 9 एकम 9 बच्चे आपका 9 एकम 9, फिर से 9 एकम 9, फिर से आपका 9 एकम 9, इस प्रकार से आपका आता जाएगा। ठीक है ना, 1.1 1 1 1 आपका अनंत तक आता जाएगा, तो इस प्रकार से आपको इस प्रकार से करना है। ठीक है, बात करते हैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 आता है, देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उससे पहले एक बार बोलूंगा वीडियो को शेयर कर दो, और जिस बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो यार, वीडियो को शेयर करने के साथ साथ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जो कैंडिडेट बता रहा हूँ आपको
अभी बता रहा हूँ, BSF प्लेसमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करना चाहता है। बहुत ही अच्छा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है आपके लिए, हर वैकेंसी के अपडेट के साथ साथ आपको सब कुछ पढ़ाया भी जाता है यार यहाँ पर। ये नहीं कि आपको पढ़ाया नहीं जाता, आप कई बच्चे कह रहे थे पढ़ाने वाले वीडियो कम देखते, यार आप देखो नहीं तो कम से कम चला के तो छोड़ दो, ठीक है, ताकि मेरा तो कुछ फायदा हो जाए, आपके लिए कुछ स्मार्ट सा कर ले, स्मार्ट बोर्ड वगैरह सब कुछ लेके आ जाए, ठीक है ना। ए का 20%, बी का 30% था, बी का 40%, सी का 50%, तो बताइए ए का सी से कितना परसेंट है, बताओ भाई। अभी अभी क्वेश्चन आ गया बड़ा, देखो ए का 20%, ठीक है, ए का 20%, बी का 30%, बी का 30%, सी का 50%, सी का 50%, सी का 50 है ना, सी का 50%, आपका ए का 20 आपका, हाँ चाहे सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन जैसे नहीं है, बराबर होगा, ये ए का 20% बराबर है बी के 30% लिए, ठीक है, ए का 20% बराबर है बी के 30% लिए, तथा यहाँ पर दो दे रहे हैं, यहाँ पर दो क्वेश्चन होंगे भाई, बी का 40% बराबर है सी के 50% लिए, सी के 50% लिए, तो बताओ आपका हो तो बताओ ए सी का कितना प्रतिशत होगा, ए सी का कितना प्रतिशत होगा, प्रतिशत होगा, ठीक है, ए सी का कितना प्रतिशत होगा। अब देखो बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले आपको बताया कि यहाँ पर दो क्वेश्चन अलग अलग दे रहे हैं, तो अलग अलग आपको निकालना है, अलग अलग निकालने के बाद में हम ए सी का डिसाइड करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें रियल मान निकालना है इनका, तो रियल मान निकालने के लिए आपको बताया कि यहाँ पर बी और ए का मान निकालता हूँ, बी उल्टा एक आपको कर देता हूँ, उल्टा करता हूँ या सुलटा निकालू, चलो सुलटा निकाल लेता हूँ, ए बट्टा बी यहाँ पर करता हूँ और इसको मैं करता हूँ 30/20, दो है आपका 3/2 आ गया, ठीक है, ये सॉरी आपका मल्टीप्लाई होगा 100, यहाँ पर 100 जाएगा तो 50 और 50 ही 150, ये 150 आएगा, क्या आएगा 150 आएगा, ये कितना आएगा 150 आएगा, और इसको 150 ना माने तो यार ये उसको 3/2 ही रहने देते हैं अभी, क्योंकि लास्ट में निकाल लेंगे दोनों का कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकालेंगे तो थोड़ा फायदा रहेगा ना, इसका सॉल्यूशन करने में थोड़ा फायदा रहेगा, तो 3/2 होगा। अब बात करते हैं बी और सी का, तो बी और सी मैं यहाँ पर निकालता हूँ, तो बी का कितना है 40, तो 40/50, सी का कितना है, सी का यहाँ पर 50 बता रहेगा ना, तो बराबर है सी के 50%, सी का कितना बता रहेगा 50, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर करता हूँ 4/5, 5/4 आ गया, 5/4 आ गया। अब देखो बात आती है कि आपका ए सी एम पूछा है, कितना पूछा है ए और सी एम पूछा है, ए और सी एम पूछा है, तो ए और सी निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई किस तरह, ए बी बट्टा बी सी, यानी कि ए बी बट्टा बी सी, ठीक है, इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए बी का मान कितना आ रहा है आपका 3/2 मल्टीप्लाई आपका 5/4। अब देखो अब सबसे बड़ा सवाल, गलती क्या करते हैं बच्चे, इसको हम इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, और इसका मान होता है उसको भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको हम मल्टी देखो पहले इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो इसका सॉल्यूशन होगा, अब कई बच्चे क्या करते हैं इसको ऐसे कटेगा तो है ही नहीं ना, फिर आपको सॉल्यूशन दिमाग क्यों लगाना है, 5 3 15 आ गया और 9 4 2 8 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, 5 2 4 2 8, 2 2 4 25 2 50, अब 25/2 आ गया, 25/2 आ गया, तो 25 को मल्टीप्लाई करो 15 15 25 बट्टे आपका 2 आ गया, तो यहाँ पर कितना आएगा 375/2 आएगा, 375/2 आएगा, इसका कितना आएगा 375/2 आएगा इसका उत्तर। तो भाई जिस बच्चे को समझ में नहीं आया टाइप नंबर 2 का दूसरा सवाल, वो बच्चा ध्यान से देख ले इस वीडियो को और फिर से वीडियो को रिवाइज कर ले, ठीक है ना, तो ये आपके लिए आज की क्लास में था, बिल्कुल आपका 16 टाइप
15 से 16 टाइप यहाँ पर होने वाले हैं। तो आपको बता दूं अगली 2 क्लास में पूरा खत्म कर देंगे, क्योंकि आज टाइम नंबर 2 पढ़ा। इससे पहले हमने बेसिक भी तो पढ़ा आपका प्रतिशत का, तो बेसिक जिस बच्चे ने बेसिक क्लियर हो गया वो आपका आगे पढ़े। आपको बता दूं ये क्लास देखे बगैर आपकी अगली क्लास वाली नहीं देखनी है। और जो बच्चे मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहता है, इंस्टाग्राम मेरी आईडी सुन लो, अजय 03 03 97, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर आप जाकर फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जो बच्चा ट्विटर चलाता है वो ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हो मेरे डिफेंस के नौजवानों? डिफेंस के नौजवानों भर्ती होने के लिए क्लासे बहुत जरूरी है, और क्लासे आपको मात्र एक यूट्यूब चैनल का नाम, वो ऑल इंडिया टॉप 0.2 है। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे भाई। Thank you.